हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। अब हम आ पहुँचे हैं प्राचीन सिद्ध पीठ माता श्री बगला मुखी। यह सिद्ध पीठ तहसील देहरा और जिला कांगड़ा में स्थित है। ज्वालाजी मंदिर से इसकी दूरी लगभग 23 किलोमीटर और बजरेश्वरी मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, श्री ब्रजेश्वरी माता के दर्शनों के बाद अब हम आ पहुँचे हैं माता बगला मुखी के पास, और ये है यहाँ की निशुल्क पार्किंग। निशुल्क पार्किंग मंदिर परिसर से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है। माता श्री बगला मुखी के दर्शनों के लिए हम यहाँ से अंदर जाएंगे। जो दाईं तरफ आप एक शेड देख रहे हैं, वह जूता घर है। मंदिर में प्रवेश के लिए एंट्री स्लिप हमने यहाँ काउंटर नंबर 1 से बनवाई है। पर्ची काउंटर जूता घर के समीप ही है। ये है माता की अखंड ज्योत। मान्यता है कि यहाँ हवन करवाने से बड़े शत्रु पर विजय, मनोकामना पूर्ति और विकट परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है, यानी कि 100% सक्सेस रेट फॉर एवरी विश। यहाँ पे मंदिर के बाहर महाविद्याओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बगला मुखी माता, श्री धूमावती माता और आगे श्री कमला माता। ये है माता श्री भुवनेश्वरी देवी। ये है माता श्री षोडशी। है माता श्री छिन्नमस्तिका। ये है तारा माता। ये है महाकाली माता। मेन मंदिर के बाहर माता के द्वारपाल हनुमान जी और काल भैरव जी। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तू वशीकरणी शत्रु बुद्धि नाशिनी, तू पीताम्बरा देवी, तू ब्रह्मस्त्र रूपिणी, बगला मुखी देवी, जय माता दी। माता के मंदिर में फोटोग्राफी की परमिशन नहीं होने के कारण यहाँ कैमरा प्रयोग नहीं किया गया। लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे हवन करवाते हैं। यह हवन शत्रु पर विजय और मनवांछित फल के लिए किया जाता है। इस हवन के लिए आप पूछताछ केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। मंदिर के सामने वाले हवन कुंड का हवन के लिए विशेष महत्व है। इस समय हम माता बगला मुखी के मंदिर में बैठे हैं। हमारे साथ दो आचार्य जी बैठे हैं, तो हम इनको अनुरोध करते हैं कि आप इस मंदिर और माता जी के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। सबसे पहले जय माता की। जय माता की। देखिए, ये पवित्र दरबार जो है, ये काफी प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि राजाओं महाराजाओं के द्वारा ही इस पवित्र दरबार का निर्माण किया गया है, क्योंकि किसी भी युग का अंत होता है तो उसके बाद सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। उसके उपरांत जब भी सृष्टि की रचना होती है तो भगवान स्वयं अपना स्थान निर्धारित करते हैं। जितने भी यहाँ पर सिद्ध स्थान हैं, या शक्ति पीठे आप ले लीजिए या सिद्ध पीठे ले लीजिए, उसमें सिद्ध पीठों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश जनपद कांगड़ा में जो ये देवालय आता है वो माता बगला मुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माता बगला मुखी, जैसा कि हम जब भी देखते हैं,
या सुनते हैं हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि माता बगलामुखी कौन है या माता बगलामुखी का अवतरण क्यों हुआ होगा, तो सबसे पहले तो हमारे मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इस जिज्ञासा के समाधान के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि माता बगलामुखी कौन है और माता बगलामुखी जी की पूजा किस कार्य के लिए हुई थी। तो शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं या शास्त्रों में हमने जब भी देखा या पढ़ा, क्योंकि भगवती बगलामुखी जो गुप्त महाविद्याओं में आती है, इन 10 महाविद्याओं का अवतरण सतयुग में हुआ था, जिसमें महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, कमलात्मिका, ये था 10 महाविद्या। इन 10 महाविद्याओं में अष्टम स्थान पर जो विराजमान है, 8वें स्थान पर जो विराजमान है, वो माता बगलामुखी देवी। इनको अष्टम विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलग अलग नाम भी हैं, इनको कोई बगलामुखी नाम से जानता है, कोई पीताम्बरा नाम से जानता है। इन नामों के पीछे भी कई कथाएं हैं, कई कहानियां हैं। तो सतयुग में भगवती के अवतरण की जो कथा हम जानते हैं, या गुरु वचनों के द्वारा या गुरु के द्वारा जो भी हमें उपदेश किया गया या गुरुओं के द्वारा जो भी हमें भगवती बगलामुखी के बारे में बताया गया, उसके अनुरूप ही मैं आपसे कुछ बातें बोलूंगा। कि सतयुग में ऐसा माना जाता है कि भयंकर बात क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस बात क्षोभ से सारी सृष्टि का लय होने लगा, जिससे समय से पहले ही सृष्टि का अंत होने लगा, सतयुग का अंत होने लगा। तो इसको बचाने के लिए भगवती का अवतरण हुआ। ऐसा माना जाता है कि शंखासुर नाम का कोई राक्षस था, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा की और पूजा के फलस्वरूप उसने ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त किया, लेकिन आसुरी बुद्धि होने के कारण, दुष्ट बुद्धि होने के कारण उसका प्रयोग जो गलत जगहों पर कर दिया, कहीं यज्ञ होता तो वहां पर तूफान चला देता, या कहीं कहीं ऋषि मुनि कोई भी वैदिक परंपरा को लेकर के, समय की परंपरा को लेकर के कोई प्रवचन कर रहे होते या कोई सत्संग कर रहे होते तो वहां पर बारिश लगा देता। ऐसे कार्य जब वो करने लगा तो ऋषि मुनियों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, यक्ष किन्नरों के द्वारा जब उसका विरोध हुआ तो उसने क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है जिसके संधान से, हमने शास्त्रों में भी इसका अनुमोचन किया है कि उसके संधान से कुछ भी शेष नहीं रहता सृष्टि में, नष्ट भ्रष्ट हो जाता सब कुछ। तो जब उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। इससे चिंतित होकर के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, देवी देवता जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज इसकी सृष्टि को बचाने की कोई युक्ति बना। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव के आदेश अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री विद्या की उपासना की और उसके फलस्वरूप एक कुमारी कन्या का अवतरण हुआ, जिसके चारों तरफ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था। तो जैसे ही भगवती का अवतरण हुआ, अवतरण मात्र से ही संसार जो स्तंभित होने लगा, रुकने लगा। इस तरह से भगवती का अवतरण हुआ और भगवती ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया और सृष्टि को बचाया। ऐसी ही कथाएं त्रेता की, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, शास्त्रों में लिखा है लंकापटि ध्वंस करी लंकेश प्रबंधिता महारावण कुल हरा महारावण हर, माता को महारावण हरणी है। ऐसा माना जाता है जिस उच्च शक्ति का भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रयोग किया था वो तो माता बगलामुखी के द्वारा ही प्रदत्त शक्ति थी, क्योंकि रावण भी 10 महाविद्याओं को पा सकते। ऐसे ही द्वापर में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जिस गुप्त शक्ति के द्वारा पांडवों का रक्षण किया और पांडवों को विजय दिलाई और धर्म की विजय हुई, उसमें भी जिस गुप्त महाविद्या का प्रयोग किया गया, जिस गुप्त महाशक्ति का प्रयोग किया गया, वो माता बगलामुखी के द्वारा ही प्रदत्त शक्ति थी। माता बगलामुखी 6 कर्मों के आधार विद्या है, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, कीलन, ऐसा प्राचीन काल में ऐसे विधान होते थे, ऐसी क्रियाएं होती थी जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है युद्धों में जो कोई मूर्छित हो जाता था उस विद्या का प्रयोग किया जाता था, उस शक्ति का आवाहन किया जाता था, जिससे उसकी मूर्छा से उसको उठाया जाता था और वो अगले दिन सज्ज हो जाता था युद्ध के लिए। ये शक्ति महा बगलामुखी द्वारा ही प्रदत्त शक्ति, ऐसा माना जाता है। भगवती बगलामुखी के विषय में श्लोक में आपको बताऊंगा, कहा जाता है खटकर्माधार विद्या पणि प्राण प्रहारिका ब्रह्मस्त्र स्तंभ विद्या स्तब्ध माय कुमारी। ये जो 6 कर्मों के आधार विद्या मरे हुए में जान रहा था और जिसने ब्रह्मस्त्र को विस्तंभित कर दिया था, रोक दिया था, उसके प्रभाव को रोक दिया। तो ऐसी माता बगलामुखी है। ऋषि मुनियों के द्वारा बगला
मुखी इसलिए कहा जाता है कि बगल में रहने वाली देवी, तो हमारे आसपास रहती है माता बगला मुखी। वैसे एक अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बगला मुखी का अर्थ क्या होता है। बगला का मतलब है वो वारुणी देवी, जल की देवी है। गकारे सिद्धिदास मृता, जो आकाश की देवी है, और ल लरी पृथ्वी आत्मिका, जो पृथ्वी की देवी है, जो तीनों लोकों की देवी है, वो माता बगला मुखी है। ये जो स्थान है इसमें जो हमारे मुख्य प्रबंधक है महंत रजत गिरी जी महाराज, उनके पीछे उनके पिता श्री थे महंत देवी गिरी जी महाराज। तो ये शुरू से ही इस स्थान में राजाओं महाराजाओं के स्नेह के बाद से ये मंदिर की सेवा करते आए हैं, मुख्य प्रबंधक और संचालक हैं। तो ये जो भी इस दरबार में जो भी कार्य किया जाता है वो महंत जी के आदेश अनुसार ही होता है। महंत जी इस दरबार में, पहले ये दरबार ही होता था, कुछ नहीं होता था, तो उनके सेवा भाव के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आज हो रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधाएँ देनी है, या कोई विशेष त्यौहार होता है, कोई विशेष दिन होता है, तो वो सारी व्यवस्था जो है वो महंत जी के अंतर्गत यहाँ की जाती है। इसलिए आज जो भी व्यक्ति देशों से विदेशों से है ना, या हमारे समाज से भिन्न भिन्न समाज के लोग, भिन्न संप्रदाय के लोग, भिन्न धर्मों के लोग भी आकर के यहाँ पर, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड की देवी है और इनकी पूजा करने मात्र से ही अपने कष्टों से वो छुटकारा पाते हैं। इसलिए लोग जो दूर दूर से आकर के यहाँ पूजा सकते हैं। शुक्रिया आचार्य जी, जय माता दी। मंदिर के परिसर में माता बगलामुखी की एक भव्य मूरत है जिसमें इन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, इस कारण इनको पीतांबरी भी कहा जाता है। मूर्ति में आप देख सकते हैं कि एक हाथ में उन्होंने गदा पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से उन्होंने राक्षस की जीभ खींची हुई है। ये देखिए मंदिर परिसर का एक दृश्य। मंदिर के पास यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, भोजन के लिए लंगर और इसके अलावा कैफे की भी व्यवस्था है। मंदिर परिसर में एक माता की मूर्ति और अन्य सामान आदि का शोरूम भी है। माता को पीला रंग प्रिय होने के कारण मंदिर में और वस्त्रों में आपको अधिकतर पीला रंग ही देखने को मिलेगा। जहां शक्ति का वास हो वहां शिव का होना तो अनिवार्य ही है। बगलामुखी माता के परिसर में ही एक शिव मंदिर है, तो आइए हम शिव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है और इस शिव मंदिर पर स्थानीय लोगों की विशेष आस्था है। तो फ्रेंड्स, अब यात्रा का क्रम आगे बढ़ाते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।